देखो पता है वो क्या खा रही है? चुपा चुपा के आइसक्रीम खा रही है वो। तुरंत ली, तुरंत जाकर मामा चरदानी में बैठ गई। आरसी को जल्दी तैयार कर दो, दिल्ली छोड़नी है आइसक्रीम। आज कैसे छोड़ दी तेने आज आइसक्रीम? 35 हुए अभी। ओए 35 हुए अभी, रुक जा। किसने बोल दिया 35 हुआ है? हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो गाइस बच्चे चले गए स्कूल और मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। ये डॉलर के लिए रोटियाँ बना रही हूँ मैं, और बाकी का सारा काम मेरा जल्दी जल्दी हो चुका है क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो काम हो जाता है, नहीं तो फिर रह ही जाता है उनके साथ। और अब मैं थोड़ी देर के बाद जाऊँगी शिवन्या को लेने के लिए स्कूल। निशी दीदी का अपना आप कैसे तोड़े? अपना भी तोड़े। दिखा इधर, बोलिए कहाँ पे अपना तोड़ दिए? शिवन्या ने रुक गई है नीचे दुकान में, वो चीज लेकर आएगी। अभी तो ये सारा घर ऐसे ही बिखरा हुआ है आजकल हमारा घर। ये कुर्सी टूट गई है हमारी, ये वाली, ये देखिए इस टाइप में हो गया है। गद्दों में पता नहीं किस तरीके से चींटी हो गई थी, तो इस वजह से सारे गद्दे मैंने बाहर सुखा दिए ताकि चींटी वगैरह जो होंगी वो निकल जाएंगी, और इनके जो कवर लगे हुए हैं वो सारे धोऊंगी निकाल के। तो आज तो खाली ये सूखेंगे गद्दे वगैरह जब लगाऊंगी इनको। अब बच्चे ये खाते पीते हैं ना, तो कुछ ना कुछ बिखेर दिया होगा, तो चींटी अचानक से हो गई तो रात में सारे हटाने पड़े मुझे ये। और शिवन्या रुक गई है नीचे अपने पापा के पास, वो चीज़ लेके ही आएगी। अब जितनी धूप आएगी उतनी जल्दी वो चींटियाँ सारी बाहर निकल जाएंगी। अब हितेश क्रिश है वो अभी थोड़ी देर के बाद आएंगे, इसकी पहले हो जाती है शिवन्या की छुट्टी, उसके आधे घंटे बाद होती है बड़े जो बच्चे होते हैं उनकी छुट्टी। क्या क्या लाइए? कुछ चीज लाइए, देखो बिना चीज के ना ये ऊपर नहीं आती, जाएगी जब चीज चाहिए इसे कुछ ना कुछ, और जब वापस आएगी तो वहीं लेट जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी बिना चीट के। तो मुझे इसके लिए पैसे लेके जाने पड़ते हैं, लेकिन नीचे आज इसके पापा थे तो मैंने कहा आप दिला दो मेरे पैसे बच जाएंगे भाई। नहीं तो रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ इसे चाहिए, जब मतलब जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना मैं सबको देखती हूँ, वो बच्चे आगे फंसकते ही नहीं है क्योंकि दुकान भी है स्कूल के सामने, तो बस वहीं मतलब रुक जाते हैं बिल्कुल, इतना जो कहते हैं ना बच्चों को खींच खींच के ले जाते हैं तो वो भी मतलब नहीं आते हैं, तो वह चालू रहती है, इतनी भीड़ लग जाती है छोटे छोटे बच्चों की। दुकान है ना वहाँ पे, तो इस वजह से तो मैं इसको इधर खींच लाती हूँ क्योंकि हमारी गली में ही दुकान है, तो मैं इसको यहाँ से चीज दिला देती हूँ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ लग जाती है बच्चों की। और ये देखो क्या क्या पी रही है, ब्लू टी, ब्लू टी पी रही है गाइस ये, और चिप्स लाई है, चिप्स लाई है एक पैकेट। अब ये ख़त्म हो जाना है अभी थोड़ी देर में, अपने भैया जो है उनके आने से पहले पहले सारा ख़त्म कर देगी, और फिर कहेगी भैया मैंने तो चीज़ खाई नहीं है, उनको ऐसे बोलती है तो उनको पता चल जाता है कि इसने ना आज चीज़ खाई है। ठंडी ब्लू जी है, पी जा, पैप तो लगाया नहीं तेने, और ड्रेस उतारी थी इसके ऊपर जब गिर गया ना दाग वाग लग गए तो फिर छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। हाँ गिराइए मत बेटा, ले ना ये पैप लगा लेना, अच्छा लगा लो, पैप
कैप लगा लीजिए, सारा आ जाएगा इसमें। शिपली सी बेटी आप लगाओ, मुझे नहीं लगा। अल्ला अल्ला मैं लगाऊंगा ना, छोड़ छेद तो इसमें करा ही नहीं। ओ ओ सारा पिचका वो कर रखा है ऊपर की साइड, ये देख हाँ ये ले भाई, इससे पीले देख अच्छे से हो जाएगा, तो गिर नहीं गया वो कहीं, थोड़ा सा गिर गया फ्रूटी। ये देखो हो गया रिकॉर्ड, बंद कर दो। कौन कब आते आते इसने सबसे पहला आया, मोर्चा मार गया। रोटी बना दूँ अभी? ठीक। मैं बोल रही नीचे चलेगा वॉलीबॉल खेलने। तो अभी तो धूप हो रही है, अभी स्कूल से आए हुए तो देर में ही हुई, बाद में देखियो। आ रही और गाइस अब मैं करूंगी सफाई, क्योंकि शिवन्या ने कर दिया थोड़ा सा नुकसान, तो फैला दिया है यहाँ पर सामान बाहर, तो मैं उसी चीज़ के लिए चिल्ला रही थी काफ़ी। और गाइस अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय गाइस।